आपके द्वारा मंदिर में 56 भोग लगाना बेकार है अगर आपका पड़ोसी भूखा है। आपके घर के बगल में अगर कोई भूख से तड़प रहा है और आप मंदिर में जाके भगवान को 56 भोग लगा रहे हो, मत करो, वो दिखाओ बेकार है। क्या कारण है कि आज इतने कथाएं होती हैं, इतने प्रवचन होते हैं, फिर भी हम लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं? तो देखिए, इनका कारण ये है कि आप भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की भी माने तो बात बनेगी। पिछले 9 वर्ष से हम कथा के इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं, आपकी ही तरह जैसे आप प्रयास कर रहे हैं लोगों को फिर से गाँव की ओर जोड़ने का, और बहुत आवश्यकता है कि लोग अपने पहाड़ों की ओर मुड़े। आज समाज में अगर आप भौतिकवाद देखते हैं, चाहे गर्मी देख लीजिए, चाहे जलवायु देख लीजिए, चाहे वातावरण देख लीजिए, तो इन सब स्थितियों में हमारे पहाड़ से बेहतर इस समय और कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत आवश्यकता है कि लोग अपने पहाड़ की महत्वता समझें। लेकिन समस्या आजकल ये भी है कि लोगों को भी आप गलत नहीं कह सकते कि लोग बाहर निकल रहे हैं। आज पहाड़ों में लोगों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात मिले तो फिर लोग अपने पहाड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। मैं भी बाहर जैसे कथा के लिए जाता हूँ, तो जैसे बॉम्बे में कथा है या दिल्ली में कथा है, वहाँ यहाँ